क्या मोबाइल में भी गेम्स को हम बना सकते हैं, मोबाइल्स में भी गेम्स को डेवलप कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से मोबाइल्स में गेम्स को डेवलप करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुमाइम और वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल रीड ऑन टू डू में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मोबाइल्स में भी हम गेम्स को बना सकते हैं। तो जी हां, बिल्कुल हम मोबाइल्स में भी गेम्स को बना सकते हैं और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप आराम से मोबाइल्स में गेम्स को बना सकते हैं। मगर याद रखें, ये काफ़ी 2D गेम्स या 3D गेम्स को ही आप बना सकते हैं, ट्रिपल ए क्वालिटी गेम्स को आप मोबाइल में नहीं बना सकते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ट्रिपल ए क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उसके एनिमेशंस, उसके गेम मैकेनिक्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लाजमी उस वीडियो को देखें ताकि आप समझ सकें कि गेम डेवलपमेंट क्या होती है, ताकि फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड के ज़रिए से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मोबाइल्स में गेम्स डेवलप किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे किस तरह से मोबाइल में गेम्स डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है, आपको सर्च करना है स्ट्रक STUR स्ट्रक 3D गेम क्रिएटर। आपको इसको सर्च करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है कि आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद इसमें आईडी मांगेगा, तो आप इसमें जीमेल की आईडी दे दे, तो मैंने इसमें पहले से लॉगिन किया हुआ है ताकि टाइम बच जाए। तो जैसे ही लॉगिन होता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा समझ लें। जैसे ही यहाँ पे आता है तो नीचे तीन पैनल दिए हुए, एक प्ले है, एक बिल्ड है और एक प्रोफाइल है। तो प्ले को भी रहने देते हैं, इसमें आपको अभी इतना काम नहीं है, अभी हम लोगों को काम करना है डेवलप करने का। तो मुझे क्या करना है कि इतना सिंपल, ये तो आपकी प्रोफाइल हो गई कि चूँकि आपने जो गेम्स बनाए हुए हैं। अब मैं बिल्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप अपना खुद का जो गेम्स है उसके जो आप नॉर्मल ज़ीरो टेम्पलेट जिसको कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो आप यहाँ से सीधा क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया, मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है आपको बहुत से फ्री टेम्पलेट मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आपको फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। आपको क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपको कोई गेम बनाना है अपने टेम्पलेट से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी टेम्पलेट को इम्पोर्ट करवा के आप आराम से गेम्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो किस तरह से गेम्स बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू गेम। अब ये करेगा क्या, क्रिएट न्यू गेम में जो बेसिक एसेट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कैरेक्टर है और जो सरफेस है उसके जो कंट्रोलर वगैरह है, तो उसको आपको प्रोवाइड करेगा, तो उसको एसेट्स को लोड करेगा। इससे होगा क्या कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ करना ये पड़ेगा कि वो जो इन्वायरमेंट है वो सेट करना पड़ेगा, बाकी आपको समझ लें बिल्कुल बना बनाया गेम आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। अब आपको करना क्या है कि अभी आपके पास एक नॉर्मल सरफेस आ गया, अब इस पर आपको गेम्स को बनाना है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने कैरेक्टर को। इस तरह से आपने कैरेक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये हमारा क्या आ गया, कैरेक्टर आ गया। अब मिसाल के तौर पर कोई ऑब्स्टिकल आपको ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑब्स्टिकल ऐड करूँगा, ठीक है। आप उसको जिस तरह भी रोटेट कर लें, इसका कलर आपको जो सेट करना है वो कलर सेट कर सकते हैं। या इसमें कोई मैसेज करवाना क्या है, क्या कहते हैं कि ये इस ऑब्स्टिकल के पास आए तो ये क्या करे, मूव करे या कुछ भी करे, तो आप वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह गेम्स बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप इसमें जो है ना कुछ एलिमेंट वगैरह उसको लोड करवा सकते हैं। अभी किस तरह के एलिमेंट मैं दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपको इसमें आप कोई गन ऐड करवाना है या कोई स्वॉर्ड ऐड करवाना है, कुछ भी ऐड करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल जो है इसको यहाँ पर ऐड करवा लें, ऐड एलिमेंट पर करवा लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ऐड करने में। अब इस तरह से आप इसको एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं, इसके हाथ में इसको सेट करवा सकते हैं बिल्कुल, या इसको पिकअप वगैरह करवा सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं आपको, आप इस प्लेयर को
कि किस तरह से ये उसको फायर करे या कुछ भी करे, और सरफेस वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर रोड है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर रोड सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। पूरा जो खेल है इसमें आपका ड्रैग एंड ड्रॉप का और आपके गेम्स के मैकेनिक्स का है कि आप अपने आइडिया के हिसाब से किस तरह से गेम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है अभी इसमें थोड़ी सी कंडीशन वगैरह देनी बाकी है तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए कंट्रोलर वगैरह बिल्कुल प्री डिफाइंड कंट्रोलर है, इसमें ये फाइट भी कर सकता है, जंप भी कर सकता है, या इस तरह से ये मूव वगैरह भी कर सकता है। अगर आपको यहाँ से क्रिएट मोड पे आना तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट मोड पे चले जाएंगे। तो ये अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने गेम्स में जो भी चेंजेस वगैरह आपको करने हैं आप वो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसमें कुछ आपको जो है कुछ इसके प्री डिफाइंड टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। अब आपको करना क्या है कि सीधा यहाँ से टेम्पलेट्स में जाके आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे टेम्पलेट आप उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो कोई भी आप टेम्पलेट यूज़ कर लें। अभी फ़िलहाल जो मैं टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ वो एक रेसिंग गेम का टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो है इसके जो भी एसेट्स वगैरह हैं, इसमें जो कार है, कैरेक्टर है, रोड वगैरह है और जो ट्री वगैरह है, इसमें जितने भी चीज़ें वो जो एसेट्स हो उनको एसेट्स कहते हैं। जो मिसाल के तौर पर 3D ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एसेट्स कहते हैं। तो वो उसके बारे में भी आपको आने वाली वीडियोज़ में सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप मोबाइल में एक अच्छा से अच्छा गेम बना सकते हैं। अच्छा, इन टेम्पलेट को देने की वजह ये कि आप इसमें आराम से जो है पहले देख सकते हैं और इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके आप अपने गेम लॉजिक को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में गेम्स को बनाना बहुत ज़्यादा ईजी, जैसे मैंने अब वीडियो में बताया कि सिंपल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब देखें इस तरह से ये हमारा पूरा एक टेम्पलेट खुल चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का टेम्पलेट है, इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल एक कार रेसिंग गेम की तरह है। बिल्कुल इसमें आपको कोई भी चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक बना हुआ एक आपके सामने कार रेस। आप आराम से इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह करके आप अपने हिसाब से कोई भी गेम बना सकते हैं। अब किस तरह से चेंजेस करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे साइड में जो है क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट में करूँ तो ये मेरा मेन विंडो खुल जाएगा। अब इसमें से मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे बीच में यहाँ पर एक और कार चाहिए, तो मैं सीधे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। और मुझे यहाँ पर इस घर की लोकेशन को चेंज करना, तो मैं यहाँ से मूव कर दूँगा इस तरह से। और भी आपको इस तरह से ना बहुत सारे एलिमेंट वगैरह आपको मिल जाते हैं। अभी थोड़ा सा मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ये इस तरह से गन वगैरह आपको अगर उसमें ऐड करना होती तो फ़िलहाल अभी ये एक रेसिंग गेम है तो इसमें गन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये इसमें फ्लैग वगैरह आपको चाहिए तो आप आराम से कोई भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको इसी में ही डाउनलोड आप आराम से कर सकते हैं। सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है मोबाइल्स में गेम को बनाना। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ मोबाइल में ही गेम्स डेवलपमेंट शुरू कर दें। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ताकि आप अपने गेम स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें कि किस किस तरह से गेम डेवलप किए जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, इनमें डेवलप वगैरह करके, फिर इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में जो है और भी अच्छे से समझाऊँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे कि मैं अगर उस चीज़ को क्लियर कर दूँगा या नई वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे पूरी टीम को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट इसी तरह रहेगा तो मैं आप इसी तरह वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो देखा दोस्तों कि कितना आसान है मोबाइल से भी गेम्स को डेवलप करना, मगर आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी सुपर मारियो टाइप की क्वालिटी है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो आप ये भी तो देखें कि आप मोबाइल में गेम्स को बना रहे हैं, तो सिर्फ ये आप अपने गेम्स मैकेनिक्स को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी यूज़ किया, 2-4 गेम्स मैंने इसमें बनाए थे ताकि मैं अपने गेम डेवलपमेंट के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा गेम डेवलपमेंट के बारे में। बस आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और जिन लोगों ने मुझे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे और मेरी पूरी टीम को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि आपको वीडियो के बीच बीच में इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।